सौमित्र। और भाई साहब आज आ गया है वो दिन जिस दिन के लिए सब लोग बोल रहे थे कि भाई साहब जो गाड़ी आपने पानी के अंदर डाली है उसको बाहर निकालो। जिसको डाले हुए गाइस हमको 3 महीने हो चुके हैं, तो आज हम निकालने वाले हैं गाड़ी को बाहर। इसीलिए हम आ चुके हैं अपने जोहड़ में, गाड़ी है वहां पर। गाइस आ जाओ, यहाँ पर जो गाड़ी है वो हमने डाली थी पानी के अंदर आज से लगभग 3 महीने पहले, और उस समय जो पानी का लेवल था वो भी कहीं ज़्यादा था। अभी जो है पानी थोड़ा सा सूख भी गया है, गाड़ी वहीं की वहीं है, लेकिन आप देखो पानी थोड़ा सा कम हो गया है, बट यार गाड़ी की जो हालत है ना भाई वो बहुत बदल चुकी। तो आज बात करेंगे सब चीज़ों के बारे में। एक बार इसके पास चलते हैं गाइस, ये देखो अब हम इसके बिल्कुल करीब आ चुके हैं, लेकिन और करीब जाने के लिए पानी के अंदर ही जाना पड़ेगा, और इसको निकालना भी इतना इजी नहीं है। आई डोंट नो कि ये कैसी निकलेगी, इसके अंदर की क्या हालत होगी। ऊपर ऊपर से तो दिख रही है लेकिन अंदर से कैसी दिखेगी कुछ नहीं पता, पता नहीं जंग लग गई हो, पता नहीं गल गई हो, आई डोंट नो गाइस, निकालने पर ही पता चलेगा। तो आप लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर दबा देना। फटाफट से शुरू करते हैं। गाइस कहते हैं ना कुछ नया सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और जब फाइनेंस की बात आती है तो भाई कभी भी सीख लो। और जब एडिशनल लर्निंग्स की बात आती है तो मुझे तुरंत याद आता है ओलम ट्रेड ऐप। ओलम ट्रेड एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग बेस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये बिगिनर्स और एक्सपीरियंस दोनों तरीके के ट्रेडर्स के लिए फायदेमंद रहता है। और अगर आपको ट्रेडिंग शुरू करनी है तो यहां पर आपको एनालिस्ट से सिग्नल्स भी प्रोवाइड होंगे। गाइस आज मैं आपके लिए एक सरप्राइज ऑफर लाया हूं जहां पर मेरे सब्सक्राइबर्स को एक गिफ्ट लूट बॉक्स मिलेगा, जिसके अंदर आपको एक पेड ट्रेडिंग टूल एकदम फ्री मिलेगा, और जिसको आप अपने डिपॉजिट पर एक्टिवेट कर सकते हो। गाइस मस्त है ना। अब आप जानना चाहते हो मुझे क्या मिला है, बहुत ही मजेदार मिला है यहां पर। गाइस मुझे मिला है आप देखो एक्सपर्ट स्टेटस। एक्सपर्ट स्टेटस की मदद से मुझे 10% हायर प्रॉफिट के साथ 1 महीने में 4 बार एनालिस्ट को कॉल करने की सुविधा मिलती है, जिनकी प्रोफेशनल कंसल्टेशन की मदद से मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं। गाइस आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, मेरा कोड AF30 यूज करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से लूट बॉक्स खोलो गाइस, फटाफट से जाओ चेकआउट करो। गाइस गाड़ी को पानी में डालना जो है वो तो आसान था, क्योंकि हमने सिंपली गाड़ी को धक्का मार दिया, गाड़ी जो है वो पानी के अंदर तैरती तैरती जो है वहां पहुंच गई। और उस टाइम तो गाइस पानी जो है ना वो यहां तक था, ऊपर तक था, यहां पर हमारा ट्रैक्टर फंसा था, आप लोग यहां पर देख सकते हो, यहां पर ट्रैक्टर फंसा था और ये जो है हिस्सा पूरा पानी के अंदर था। लेकिन अब इतना इजी नहीं है भाई, अब जो है गाड़ी को बाहर निकालना अपने आप में महाभारत, हमने बहुत सोचा, लास्ट में जो ऑप्शन आया वो यही आया कि इसको निकालने के लिए चाहिए हमें क्रेन, और जो क्रेन है वो भी यहां तक तो मुझे लगता नहीं कि पहुंच पाएगी, लेकिन कुछ बांध करके तब इसको खींच करके निकाला जाएगा। तो पहले लाते हैं क्रेन को। भाई जो क्रेन है वो यहीं तक लग सकती है, और यहाँ से अब क्रेन का जो खींचने वाला हिस्सा है ना उसको वहाँ गाड़ी तक ले जाना पड़ेगा। लगभग जो दूरी है वो मेरे अंदाजे से 41 फीट है, 35-40 फीट, और इतना दूर जो है अब पानी में जाना पड़ेगा और इसको बांधना पड़ेगा। तो भाई साहब यहाँ पर पानी के अंदर जा रहे हैं तो सुरक्षा भी ज़रूरी है, तो लाइफ जैकेट पहन ही लेते हैं, पता नहीं कब इसकी ज़रूरत पड़ जाए, अंदर कितना गहरा पानी हो या दलदल हो। और बस पानी के अंदर मैं गिरना नहीं चाह रहा, जूते समेत जा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि गाड़ी के कांच वगैरह जो है ना वो पता नहीं गाइस किसने फोड़ दिए हैं, और पानी जो है अब उतना ठंडा नहीं है जितना उस मौसम में था। और गाइस देखो पानी जो है वो सूख भी गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी का लेवल भी कम हो गया है। तो गाइस मैंने यहाँ पर अब अपना जो GoPro है वो ऑन कर लिया, और गाड़ी है यहाँ पर, और भाई साहब यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे जो है पानी के अंदर देखो मैं इतना डूबा हुआ हूँ, और डूब करके ही जाना पड़ रहा है, दूसरा कोई ऑप्शन है भी नहीं। और भाई नीचे दलदल है, पैरों में फील हो रहा है, और जो गाड़ी है मैं उस तक पहुँच गया हूँ। गाइस जब हमने इस गाड़ी को छोड़ा था तो इसके जो सारे, अरे यार मेरे को फील हो रहा है, मेरे को पैरों में कांच फील हो रहा है, ग्लास फील हो रहा है, लेकिन मैंने जूते पहने बढ़िया रहा। तो गाइस पता नहीं किसने इस गाड़ी के जो दरवाजे हैं जो शीशे हैं उनको फोड़ दिया, अंदर से आप लोग देख सकते हो पीछे का भी फोड़ दिया। अरे यार गाइस वास्तव में पैरों में उतरी होए, कहीं मेरा जूता ना काट दे, कांच है नीचे। भाई साहब ये देखो किसी ने जो है इसके जो शीशे हैं वो फोड़ दिए हैं, और भाई एक भी शीशा नहीं छोड़ा,
पहले गाड़ी का एक भी शीशा जो है वो टूटा हुआ नहीं था, लेकिन फिलहाल एक भी शीशा सही नहीं है, ये भी टूटा हुआ है। ये छोटा वाला ज़रूर बच गया सोचो। और ये गेट खुला हुआ है, गेट किसने खोला है गाइस? ये जो गेट है ये खुला हुआ है और मैं इसको हिलाना भी चाह रहा हूँ तो ये बस इतना ही हिल रहा है। और ये देखो गाइस, ये है गाड़ी की सामने से हालत, अभी ये पानी में ही पड़ी हुई है। पूरा जो शीशा है वो टूटा हुआ है, अंदर तो अभी दिख ही नहीं रहा है। इसके बोनट पे चढ़ने की कोशिश करता हूँ एक बार, क्या पकड़ के चढ़ूँ, पकड़ लूँ इसको, चलना नहीं चाह रहा। और गाइस जूते की हालत देखो। और भाई साहब फाइनली मैं गाड़ी के ऊपर पहुंच चुका हूं भाई फिर से, और गाड़ी की हालत जो है भाई वो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है, हालत ख़राब हो रखी है। गाइस यहां पर गाड़ी के पास में पहुंच गए हैं, अब क्रेन जो है उसका जो पट्टा है उसको डालेंगे गाड़ी के अंदर और फिर गाड़ी को निकालेंगे बाहर। लाओ भाई चलाओ क्रेन को, चलाओ, आजा आजा। तो भाई मुझसे अकेले से बात यहाँ पर नहीं बनेगी, कम से कम दो लोगों की जरूरत है। पानी ठंडा नहीं है ना? ठंडा है? मुझे तो नहीं लग रहा, पिछली बार ज्यादा ठंडा था। लाओ, तो अब इसको डाल रहे हैं गाइस बेल्ट को इसके अंदर। तो भाई इसमें दोबारा से उतरना पड़ेगा। ओहो बच गया मेरा हाथ कटते कटते। अभी भाई मेरे जूते के अंदर घुस गए हैं फिलहाल ग्लास। चलो ठीक है गाइस, यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से बांध दिया है। तो भाई अभी यहाँ पर जो गाड़ी है उसको क्रेन खींच रही है और मैं भी जो है सेफ पोजीशन में ही होना चाहता हूँ। हिलिए, चलो गाइस गाड़ी चल रही है फिलहाल पानी के अंदर और कोई भी ऑप्शन नहीं था इसके अलावा, अगर ये जुगाड़ नहीं होता तो ये नहीं हिलती। इसपे किसी ने पत्थर मारे हैं, पत्थर ये देखो, इसपे किसी ने पत्थर मारे हैं, दो पत्थर दिख रहे हैं मेरे को भाई, पता नहीं कौन पत्थर मार के इसको छोड़ गया है। उठाओ, और भाई अब मैं हो जाता हूँ पीछे क्योंकि अब ये गिर भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऊंचा उठाओ, ऊपर, भाई साहब ओ शिट, हाँ मैं साइड में ही हो रहा हूँ भाई, ये कहीं कहीं कभी भी गिर सकती है और कहीं भी आ सकती है फिलहाल। ओए ओ भाई देखो गाड़ी में से देखो कैसे पानी गिर रहा है। भाई साहब जो गाड़ी है हम जिस पानी के अंदर है ना वो कितना खतरनाक है आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ देखो गाइस, गाड़ी के जो आगे का हिस्सा है इसमें सांप है और ये सांप मरा हुआ है और ये कई दिन का मरा हुआ, मुझे नहीं पता ये इसमें कैसे मरा है। गाड़ी के डुबाते टाइम तो ये मरा नहीं हो सकता, ये बाद में आकर के इसमें मरा है, लेकिन सोचो सांप हमारी आंखों के सामने है, इसका मतलब इस पानी के अंदर जो है बहुत सारे सांप हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं तो जा रहा हूँ फिलहाल पानी से बाहर, मेरे जूते में बहुत सारे कांच घुसे हुए हैं यार और कई जगह से काट भी चुके हैं। निकाल लो, चलो गाइज हमने जो इसका आगे का जो पट्टा डाला था ना उसको और छोटा किया है ताकि क्रेन इसको पूरा ऊंचा उठा करके बाहर निकाल सके। तो अब जो गाड़ी है वो आ गई है पानी से बाहर, जमीन पर तो नहीं टिकी है लेकिन अब टिकने वाली है। और हालत देखो भाई हालत देखो गाड़ी की, काई लग गई लोहे पे, पेंट के ऊपर काई लगी हुई है, मैंने तो अब आके बाहर से देखा है ग्रीन दिख रही है गाड़ी। चलो आन दो, बस टिका लो टिका लो टिका लो टिका लो, बस बंद कर लो। तो गाइस फाइनली जो गाड़ी है वो पानी से निकल करके आ चुकी है
और हालत तो भीगी हुई है, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि गाड़ी की हालत एक्चुअली में क्या है। यहाँ पर भाई साहब सबसे पहले तो काई लगी हुई है पूरी गाड़ी पे, शीशे फूटे हुए हैं, पता नहीं शीशे कैसे फूटे हैं। देखो आप लोग, यहाँ पर सारे शीशे जो है फूटे हुए, इनके अंदर भी थे, कुछ नहीं है। चलो एक गेट खोल के देखते हैं कि खुल रहा है कि नहीं। ओहो, ये लॉक है क्या? हो सकता है। तेरी तो भाई साहब एक गेट खुला रहा, अंदर देखो, ये देखो, ओहो स्मेल तो आ ही रही है, लेकिन अंदर भाई पूरा जो है सब कुछ देखो, प्लास्टिक वगैरह सब कुछ गला हुआ है। ये प्लास्टिक भी नहीं है, कांच की फिल्म है, अंदर ग्लास पड़ा हुआ है इसके अंदर। भाई साहब जो गाड़ी है, जो जो हिस्सा पानी में डूबा हुआ था, ऐसा लग रहा है कि वो गल गया है। और ये देखो भाई साहब, ईंट, पता नहीं किसने ईंट फेंकी है इसके अंदर, कहाँ से ईंट आई है, किसने फेंकी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अंदर मिट्टी ही मिट्टी, बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है वो भरी हुई है। देखो पता नहीं गाइस, लगता है कुछ शैतान बच्चों ने यहाँ पर जो है इसमें पत्थर मार दिए हैं, और इसमें भी पानी भरा हुआ है। गाड़ी की हेडरेस्ट गायब है भाई, गाड़ी की ये जो हेडरेस्ट होती हैं, तीन हेडरेस्ट गायब हैं, कहाँ चली गई है। भाई साहब जो गाड़ी का स्टीयरिंग है, अरे घूम रहा है, मतलब स्टीयरिंग तो काम तो कर रहा है, और पूरी गाड़ी देखो एक बार यार, काई जम गई इस चीज के ऊपर। देखो भाई साहब, ओए ओए उसमें बड़े बड़े सांप हैं। अब हमको इन सांपों का रेस्क्यू भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी गाड़ी में फंसे हुए हैं, और इनकी जान जो है उसको बचाना भी फिलहाल हमारा ही फर्ज बनता है, क्योंकि हमारी गाड़ी के अंदर ये फंसे। एक नीचे तो नहीं गया एक सांप अभी? रुक जा, अरे रुक जा, ओ वो गया, वो रहा, वो रहा, वो रहा, वो रहा, वो रहा। हाँ, अरे आराम से गाइस, ये देखो ये रहा गाइस, ये रहा, देखो सांप तीन है। ओ ये रहा, ये गया यहीं पे नहीं, अभी है, अभी रुका हुआ है। अरे बाहर निकालो इन सांपों को बाहर निकालो, यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, बाहर निकालो इनको। तो गाइज हमको इसमें से सांप निकालते निकालते लगभग आधा घंटा हो गया, और मुझे तो उम्मीद नहीं थी गाड़ी के अंदर सांप मिलेंगे। पहले तो बोनट के ऊपर था एक मरा हुआ सांप, लेकिन अंदर जो है सारे के सारे जिंदा थे, और जहां तक मेरा अनुमान है सारे के सारे जो है चैकल्ड किलबैक स्नेक थे, जो कि जहरीले नहीं होते, नॉन वेनमस होते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी है, उनकी भी जान है। तो गाइज हमने किसी सांप को किसी तरीके का नुकसान पहली बात तो नहीं पहुँचाया, कुछ सांप तो निकल करके जा चुके हैं, और हमने तो अब काफ़ी ढूंढ लिया है, और कोई भी सांप अंदर नहीं दिख रहा है, लेकिन चांसेस फिर भी हैं कि इसके अंदर एक आध सांप हो भी सकता है। गाइस हमने ढूंढ लिया, हमको तो मिला नहीं है, अभी और जो है थोड़ा सा तलाश करेंगे, लेकिन अंधेरा होने वाला था, सुबह हमने वीडियो फिनिश कर देते हैं। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा, क्योंकि जो गाड़ी है उसकी जो हालत है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि ये गाड़ी इतने दिन तक पानी में पड़ी रही थी। अब भाई सोचो पानी के अंदर यार इतने दिन लोहे की चीज़ रहेगी तो उसका क्या हाल होगा। लेकिन हमारे पास में आज तक ऐसी कोई चीज़ थी नहीं जिसको देख करके हम कह सकें, लेकिन आज हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में वो गाड़ी जो है खड़ी हुई है, जो कि पानी में रह के आई है। तो कुछ ऐसा होता है, गाड़ी बर्बाद हो जाती है। आप लोग वीडियो के लिए लाइक कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, भाई कर लेना यार इस चीज़ के लिए, ठीक है, लाइक का बटन दबाना जरूर से बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। और गाइस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ओलम ट्रेड को चेकआउट करना मत भूलना, मेरा कोड AF30 यूज करके आपको लूट बॉक्स भी मिलेगा वहां पे।